हाय गाइस, वेलकम टू एडवांस मेडिसिन। तो अभी हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2021 बैच का, लेकिन हुआ फरवरी में था, फरवरी में भी नहीं, मार्च में हुआ था, उसको डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस क्या करूँगी, इन डेप्थ वीडियो सारे टॉपिक्स पे आपको चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैं बता दूंगी कि क्वेश्चन आए कैसे थे। तो देखिए, 5 क्वेश्चन करने होते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे हैं तो, 500 वर्ड में लिखना होता है। हर सेक्शन से आपको दो दो क्वेश्चन लिखने होते हैं, यानी सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो पांचवा बच जाएगा आप कहीं से भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था मार्क्सियन अप्रोच पे। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है कार्ल मार्क्स के अप्रोच पे या मार्क्सियन अप्रोच पे, रिलीजन को समझने के लिए कैसे हम कार्ल मार्क्स का या मार्क्सियन अप्रोच है उसको इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम सॉरी। उसके बाद फ्रूडियन अप्रोच, सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है या जो सिगमंड फ्रूड पे चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है बेसिकली, उसको उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम रिलीजन को समझ सकते हैं साइको एनालिसिस से, तो उसके बारे में, या साइकोलॉजिकली हम समझ सकते हैं। टी एन मदन का जो व्यू है कश्मीरी पंडित पे, या नॉन एनाउंसिएशन का टी एन मदन का जो चैप्टर है उससे आपका आया है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आया है ट्रेडिशन ऑफ लामाज ऑफ मैकडोलगंज जो हिमाचल में थे, और ये चैप्टर आया, ये चैप्टर है केक सुधीर कक्कड़ जी का, तो वहाँ से फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ आया है उक्का जो कि श्रीनिवासन जी का चैप्टर है, आपको सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद ये न्यू मूवमेंट्स एंड कल्ट्स पे जो क्वेश्चन आया हुआ है आपको वो लास्ट जो पार्ट है हमारे बुक का उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो ये प्योरिटी का और ऑस्पिशियस का वो है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया गया हुआ है। उसके बाद आप शुरुआती जो चैप्टर्स हैं उनको जब देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एट्थ क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि आपको बताना है कल्चरल एनालिसिस, तो एक क्लिफर्ड ग्रीड्स की जो चैप्टर है वहाँ से आप देख लेंगे, इसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी है। उसके बाद कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म का जो है उसमें सूटेबल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी चैप्टर का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और साईं बाबा पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा, और साईं बाबा की टीचिंग्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं हिंदी पे भी वीडियो पढ़, हिंदी के भी सॉरी जो क्वेश्चन है पढ़ देती हूँ उनके लिए जो हिंदी मीडियम से है। तो धर्म को समझने के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, पहला सवाल है। धर्म को समझने के संबंध में फ्रायड के दृष्टिकोण यानी सिगमंड फ्रायड के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। कश्मीरी पंडित के संबंध में टी एन मदन और ग्यार त्याग आधारित दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। मैकडोनगंज के लमाओं की रहस्यमय परंपरा की चर्चा कीजिए। ओका क्या है, कुर के संदर्भ में चर्चा कीजिए। धर्म पुनर्जीवाद यानी रिलीजन रिवाइवलिज्म की चर्चा करें, और नौ आंदोलन या पूजा प्रथाओं के संबंध में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मांगलिक और परिशुद्धता की संकल्पना का वर्णन, मांगलिक और परिशुद्धता की संकल्पनाओं का वर्णन धर्म के अध्ययन में इनके महत्व को ध्यान में रख के कीजिए। धर्म के सांस्कृतिक विश्लेषण में आस्था और प्रतीक के महत्व की जांच कीजिए। संप्रदायवाद और कट्टरवाद की संकल्पनाओं का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। सिरडी के साईबा के जीवन और शिक्षाओं की चर्चा कीजिए, यही इस पेपर में आया हुआ था। और देखिए क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर देख के जरूर जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।